भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से होगा शुरू। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी वैक्सीन। जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा, कृषक सुरक्षा और एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत। 24 जनवरी तक 40,000 गांव में भाजपा कार्यकर्ता किसानों से लेंगे अन्न। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने में सफलता की हासिल। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को जारी किया परामर्श। दिल्ली की संजय झील में बतखों की असामान्य मृत्यु की खबर। आज पूरी दुनिया में मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता पैदा करना है मकसद। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को मनाते हैं विशेष रूप से। हरिद्वार में 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए तैयारियां जोरों पर। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने आज से हरिद्वार के लिए फिर से चलाई 18 रेलगाड़ियां। एयर इंडिया की महिला पायलटों वाली टीम ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए भरी सबसे लंबे नॉनस्टॉप हवाई मार्ग पे उड़ान। महिला चालक दल का नेतृत्व कैप्टन जोया अग्रवाल ने किया। चीन में जून 2020 से फंसे एमवी जग आनंद जहाज को जापान जाने की अनुमति। जापान के चीबा में चालक दल परिवर्तन के बाद 14 जनवरी को पहुंचेगा भारत। इंडोनेशिया का लापता विमान का मलबा समुद्र में मिला। विमान में 12 क्रू मेंबर्स समेत 62 यात्री थे सवार। राहत व बचाव कार्य जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी ली खुराक। कहा मार्च के मध्य तक सभी नागरिकों को लगा दी जाएगी वैक्सीन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा। टीकाकरण अभियान को तेज करने पर जोर। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप ने लगाया कोविड का टीका। यूएई और कतर के बीच यात्रा फिर से शुरू। यूएई ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध किए बहाल।